आर्टिकल 370 हटाने के बाद हालात सामान्य होने से बौखलाए आतंकवादियों की कायराना हरकत जारी है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेब लाने गए एक और ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी है। हमले में मारा गया ड्राइवर जम्मू के झज्जर कोटी इलाके का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में ट्रक ड्राइवर पर हमले का ये चौथा मामला है, जबकि सेब के कारोबार से जुड़े लोगों पर हमले का ये छठा मामला है। हांगकांग में एक बार फिर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये प्रदर्शनकारी वहां हुए आंदोलनों में पुलिस की सख्ती का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने बैनर के जरिए प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने की चेतावनी दी, लेकिन लोगों के पीछे नहीं हटने पर पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने भी पुलिस पर पलटवार करने की कोशिश की। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को काबू करने की कोशिश करते दिखे। लोगों को खदेड़ने के लिए पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस की कार्रवाई से भड़की भीड़ ने एक मेट्रो स्टेशन को आग के हवाले कर दिया, जबकि कई दूसरी जगहों पर भी तोड़फोड़ की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में प्राथमिक स्कूल के एक कमरे की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बताया गया कि लगातार हुई भारी बारिश की वजह से छत कमजोर हो गई थी और इसी वजह से अचानक कमरे की छत भरभरा कर गिर पड़ी। छत के गिरने के बाद वहां हड़कंप मच गया। स्कूल के बच्चे और टीचर इधर उधर भागते हुए नजर आए। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त स्कूल में करीब 35 बच्चे मौजूद थे, जो कमरे से दूर हटकर पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। केंद्र सरकार के नोटिस के बाद पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दिल्ली में अपना एक सरकारी आवास खाली करने का फैसला लिया। एचडी देवेगौड़ा के पास दिल्ली में एक सरकारी बंगला और एक सरकारी गेस्ट हाउस, लेकिन केंद्र ने नियमों का हवाला देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री के नाते उन्हें एक ही सरकारी बंगले का हकदार बताया और दूसरा आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के बाद एचडी देवेगौड़ा ने विट्ठल भाई पटेल हाउस में मिले गेस्ट हाउस को खाली करने का फैसला किया। बताया गया कि देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस इस गेस्ट हाउस का इस्तेमाल पार्टी की गतिविधियों के लिए करती थी। जेडीएस का पार्टी कार्यालय के तौर पर भी यहाँ इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है एचडी देवेगौड़ा ने तय किया कि वो इस गेस्ट अकोमोडेशन को खाली करेंगे। दिल्ली की सफदरजंग लेन में देवेगौड़ा को बतौर पूर्व प्रधानमंत्री एक बंगला भी मिला हुआ है, जो आजीवन उनके पास रहेगा। वहां मौजूद पार्टी के महासचिव शिव कुमार ने भी बताया कि सरकार के नोटिस पर उन्होंने गेस्ट हाउस को छोड़ने का फैसला लिया। 96 से हमारा पास ही है नंबर 2 वीपी हाउस, सो अभी हमको जरूरत भी नहीं है, हमने खाली करने का डिसीजन ले लिया है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पुलिस में भर्ती होने के लिए वहां के नौजवानों में होड़ मची है। राजौरी में 150 पदों की भर्ती में करीब 9000 से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिनकी भर्ती के लिए वहां मौजूद अधिकारियों ने शारीरिक जांच के बाद दौड़ समेत सारी परीक्षा ली। भर्ती के लिए पहुंचे लड़के और लड़कियों ने भी पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आशा है कि हम अपने तरफ से गुड करेंगे। आज हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पे लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ भर्ती होने की। भर्ती में शामिल होने पहुंची भीड़ से पुलिस अधिकारी भी खुश दिखे और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी पदों पर भर्ती कर ली जाएगी। भर्ती करने का प्रोसेस शुरू किया है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आज है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लड़कियां भी और लड़के भी दोनों बड़े जोश से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पापुआ न्यू गिनी की टीम ने क्वालिफाई कर लिया। News18.com की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यह पहला मौका है जब पापुआ न्यू गिनी ने ICC वर्ल्ड कप के किसी भी फॉर्मेट में जगह बनाई। दुबई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबलों में पापुआ न्यू गिनी की टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही। गुरुवार को ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में पापुआ न्यू गिनी की टीम ने केन्या को 45 रन से हरा दिया। वहीं ग्रुप बी में टॉप पर रहने वाली आयरलैंड की टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर। T20 वर्ल्ड कप अगले साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच